इनके बच्चों को, इनके परिवार को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और इनको आशीष दे। ये बहन भी दिल्ली से आई है, 2 साल से बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दिया। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मुके गई, मुके गई, मुके गई, अंधेरे आधी रात आके गई। नेक्स्ट नेक्स्ट कोलकाता ब्रांच। हाँ, जाओ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ बेटी, शाबाश। नेक्स्ट कोलकाता ब्रांच गवाही के साथ। वापस बहन की बहुत ही बड़ी गवाही है, 11 साल से कोई बेबी नहीं था, जैसे यहाँ पे आया, एनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, बहन बता रही 11 साल के मैं बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुकी है। हालेलुया। पापा इस भाई की 4 साल से आंखों में प्रॉब्लम था, 7 साल से यूरिन इन्फेक्शन था। पापा इस बहन की 15 साल से ट्यूमर था। इस भाई की 5 मंथ से किडनी की प्रॉब्लम था। इस बहन की 20 साल से ट्यूमर था, 35 ईयर से पाइल्स था, 5 साल की माँ की पाइल्स था। इस बहन की 2 साल से ट्यूमर था। इस बहन 5 साल के बाद 5 मंथ की प्रेग्नेंट हो चुकी है। इस भाई की बहुत ही बड़ी गवाही, 10 साल से गुप्त प्रॉब्लम था। इस बहन की 5 साल से शिश था। पापा इस बहन की बहुत ही बड़ी गवाही है, बहन बता रही है बेबी बहुत ही बड़ी गवाही है। इस हार्ट की प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था बच्चे नहीं बचेंगे, तो जैसे ही आपके प्रोफेसर रिसीव किया, एनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज किया, हार्ट के रिपोर्ट नॉर्मल आ चुके, बच्चे बिल्कुल जिंदा आ चुका है। हालेलुया। जोर से तारीफ करो, शाबाश। अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश, पूरा चर्च अपने हाथों को उठाऊं। कोलकाता ब्रांच, फिर से ध्यान से सुनो, जिनका नाम GNRSP से, M से हैं, जो बाहर भी खड़े हैं, आपका फाइनेंस इंक्रीज होगा आपसे यीशु मसीह के नाम में। आप आपके पास बड़े बड़े रास्ते खुलेंगे, आपकी आपकी प्रॉपर्टी ब्लेस होगी यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित होंगे आज के दिन से। पवित्र आत्मा बोलता है आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। मलेशिया ब्रांच, सिंगापुर ब्रांच, और इस समय मॉरिशियस ब्रांच, ऑस्ट्रेलिया ब्रांच, इसी समय खोल दे कोई भी, फटाफट अपने हाथों को उठाओ, और इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। इस अमृतसर ब्रांच गवाही के साथ फटाफट, जल्दी 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 टेस्टिमनी के साथ। हाँ, जोर से तारीफ करो। देखो आपके सामने है कि उधर भी बच्चों ने टॉप किया और बच्चों की लाइन लगी हुई है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर, अपने हाथों को उठाओ। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो अपने हाथों को। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, अमृतसर ब्रांच में इसी समय परमेश्वर, जो लोग इस समय खड़े हैं पवित्र आत्मा, इनके ऊपर परमेश्वर तेरा अनुग्रह उतरने पाए। पत्थरियाँ बाहर जाएं, रसोलियाँ बाहर जाएं, कैंसर बाहर, कोई भी इसी समय कोई बीमार है चंगा हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। गिल्टियाँ बाहर जाएं, कमर का दर्द जाए, शुगर जाए, थायराइड जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इनके बंद पड़े काम आज से खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सुनो, आपकी ब्रांच में जिसके नाम SRPL और V और N से, आप फॉरेन की और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिल रहा है। हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, धारीवाल ब्रांच, फटाफट फटाफट, पंजाब की सब ब्रांचें फटाफट खोलता रहे। डोलकी दोबारा, फाजिल का ब्रांच फटाफट बोल गवाही के साथ। साल से किडनी थी, स्वस्थ था वो, आजाद हो चुका है। इस बहन के पास 5 साल से बच्चा नहीं था और बच्चा इस साल ब्लेस हो चुकी है। इस बहन का कमर में बहुत ज्यादा पेन रहती थी और वो प्रोफेसी को सिर किया, आजाद हो चुकी है। और जय मैं बता रहा है, इनका सिस्टर भी अचानक बीमार हो चुकी थी और तत हो चुकी थी और उनके ऑल का यूज किया, वो जिंदा हो चुकी है यीशु के नाम में। जोर से तारीफ करो, शाबाश। हाँ हाँ, अपने हाथों को उठाओ, फाजिल का ब्रांच ऊपर करो हाथों को अपने, शाबाश। और
जिनको प्रॉब्लम है कोई दुष्ट आत्मा की या कि जिसके पास बच्चा नहीं है उसको आगे बुला ले शाबाश फटाफट, और उसी समय और स्क्रीन की तरफ हाथ कर, तेरे को बोल रहा हूँ तू आगे आ जा, उनको मत छोड़, तू हाथ कर स्क्रीन की तरफ, हाँ आगे आ जाओ, आगे आ जा, आगे आ जा स्क्रीन के पास आया करो, हाँ 10 बार तेरे को समझाया स्क्रीन के पास आया कर, उनको भी लेकर आ जिसको प्रॉब्लम है। और इस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, कैमरा वहीं रखो, ही कैमरा वहीं रख बेटे, कैमरा कॉर्नर पे रख, मुझे दिखा सबको। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर तेरा अनुग्रह वाला हाथ ऊपर उठा कैमरा, और इसी समय पवित्र आत्मा इनके ऊपर तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ बना रहे, और इसी समय पास्टर हैप्पी के ऊपर हाथ पर उस अभिषेक को खोलता हूँ, जिसके ऊपर हाथ रखे उनके सिर से गर्दन से वो जुआ टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिले, इनके सिर पर हाथ रखना, गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में, जाओ जाओ शाबाश आमीन। अब इसी समय हाँ हाँ हालेलुया प्रॉफिट जी, ये बहन अपने दामाद की गवाही में बता रहे हैं कि काफी समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन मिल नहीं पा रही थी, तारीपुर चर्च में स्पेशल सीड को बोया, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। खुदावन के लोगों हालेलुया, बोलो ताड़ियां बजाओ, कौन आ रहा है? यीशु आ रहा है दोबारा। सुनो बेटे कहां से आया? अंडमान निकोबार आइलैंड से आई हूं मैं। हैं इतनी दूर से? अंडमान निकोबार से आई है, जोर से ताड़ी बजाओ शाबाश। भारत के कोने से आई है, अंडमान निकोबार से। हाँ हाँ, तो क्या प्रॉब्लम था? जॉब नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट जॉब जमाई के गवर्नमेंट जॉब के लिए ले हैंड प्रेयर कराई, स्पेशल ले हैंड कराया था आपने, और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब वापस मिली। दोबारा बताओ, दोबारा सबको बताओ शाबाश, सामने बताओ, सबको बोलो जय मसीह की, जय मसीह की, प्रोफेट जी को जय मसीह की, कलिसिया को जय मसीह की। मेरे जमाई का गवर्नमेंट जॉब चला गया था, मैं अंडमान से यहाँ अपने जमाई के लिए लेहन प्रेयर कराने के लिए आई, और लेहन कराई उस समय प्रोफेट जी ने कहा कि आप जाइए 52 डेज में आपके घर में खुशियाँ आएगी। जैसे ही मैं यहाँ ताजपुर चर्च से अंडमान गई, 52 डेज के बाद ही मेरे जमाई को गवर्नमेंट जॉब वापस। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। देखो सुनो, ये परमेश्वर की ओर से है, आपको पता है जब भी मैं बोलता हूँ पवित्र आत्मा की ओर से बोलता हूँ, ये परमेश्वर की ओर से है। आप सुन रहे हैं अंडमान निकोबार से स्पेशल लैंड प्रे कराई, गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल गई, जो कहा था जहाँ घर जाते ही खुशखबरी मिलेगी। अब सुन लो ध्यान से, 3 हफ्ते के अंदर बहुत सारे लोगों को खुशखबरी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास करते हैं? जो पसीने साफ कर रहे हो उनको जल्दी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो शाबाश। खुदावन के लोगों, गुरप्रीत अमृतसर से स्पेशल ले एंड प्रे कराया इसने, स्पेशल ले एंड प्रे कराया, उसके बाद दुबई ब्रांच को खोलेंगे, स्पेशल ले एंड प्रे कराया, और प्लॉट की और बाहर के वीजे की आशीष मिलेगी इसको यीशु मसीह के नाम में। क्या कराया था आपने स्पेशल लैंड? दिसंबर महीने 2022 स्पेशल लैंड कराई थी। हां जी स्पेशल लैंड कराई थी। ओई तो पूछ रहे हैं अपनी लैंड नो। क्या ही है भी क्या सी मैंने कि तू प्लॉट लेके लल्ला जिथे मर्जी लल्ला उथे रोड निकले। हालेलुया। हां जी घर दे सामने मैं रोड निकल दे आए। इसने प्लॉट ले लिया, मैंने कहा था कितने कहीं भी ले लो तुम्हारे घर के सामने से रोड निकलेगा, और रोड निकल गया, वो प्लाट महंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में। अमरजीत फिरोजपुर से आई है, ऑयल वाटर यूज किया, हार्ट की प्रॉब्लम थी, कब से थी हार्ट की प्रॉब्लम? पापा जी जय मसीह की, सारी कलीसिया ने मेरे जय मसीह की, पापा जी मेरी एक गवाही मम्मा जी ना हार्ट की प्रॉब्लम थी, अभी अभी ऑयल लगाया, आपकी मम्मी अब ठीक हो गई, नॉर्मल होगी तू? हाँ ठीक है, तारीफ करो जोर से। हाँ हाँ बेटे कहाँ से आया? असम से। हाँ मणिपुर असम से, असम से। हाँ मोनिका, हाँ। क्या प्रॉब्लम था? किडनी का प्रॉब्लम था, 2021 में स्पेशल लेहन क्या था, हाँ। अब किडनी का प्रॉब्लम खत्म हो गया। तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करो, कह रही किडनी का प्रॉब्लम था, स्पेशल ले एंड प्रे कराया, किडनी का प्रॉब्लम खत्म। फिर कराऊ, जो जिनके पास बच्चा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई बीमार है, आ जाना स्पेशल ले एंड प्रे कराने मेरे चर्च में, गुड न्यूज मिलेगी आपको यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ सारी ब्रांचें खोल दे फटाफट। हाँ दुबई ब्रांच, हाँ शाबाश, शाबाश शाबाश, दुबई ब्रांच
आपका आपका जो आपका जोश देख के मेरा दिल कर रहा है मैं दुबई में मीटिंग करूं। ठीक है सर, बोल हालेलुया। हालेलुया से काम नहीं चलेगा, आपको प्लेन का खर्चा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, शाबाश शाबाश। हाँ, गवाही सुनेंगे, शाबाश। हाँ, टेस्ट मनी। पापा जी, मैंने प्रोफेसर पर रिसीव किया और 15 साल के बाद इस भाई को यूरोप का वीजा मिल गया। मैं दुबई जा रहा हूँ, मैं दुबई जा रहा हूँ, ये यूरोप जा रहा है। चलो हाँ 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 हाँ। पापा जी, भाई ने प्रोफेसर को रिसीव किया और इसको 15 साल के बाद नफा से छुटकारा मिल गया। शाबाश शाबाश। हाँ 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 हाँ। ताड़ी बजाओ जोर से। पापा जी, ये भाई प्रोफेसी को रिसीव किया और इसका सैलरी इंक्रीज होगा। जोर से तारीफ करो। बाकी सब लोग सामने आ जाओ, कैमरे के सामने आ जाओ, हाथ उठाओ ऊपर, कैमरे के सामने आ जाओ। शाबाश, हाथों को उठाओ ऊपर, करो ऊपर, करो ऊपर कर कैमरा। हाँ, इसकी गवाही दे फटाफट, मोटी सी बहन की। हाँ, आप लोगों को तो नहीं बुलाया, इधर इधर देखो। हाँ हाँ, ऊपर उठाओ कैमरा, ऊपर उठाओ कैमरा, ऊपर उठाओ। पवित्र आत्मा जी, आज से मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी यीशु मसीह के नाम में। और आज से इसी समय पवित्र आत्मा आपके ऊपर उस ग्रेस को छोड़ेगा, आपके कंधे के ऊपर से उस जुए को तोड़ देता हूँ जो सालों साल से आप दुबई में कमाने के लिए गए हुए हैं लेकिन आप कमा नहीं पा रहे थे। अब इसी समय मैं उस बंधन को तोड़ता हूँ, आज से आप ज्यादा कमाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इसी से मैं ब्लेसिंग रिलीज करता हूँ, पवित्र आत्मा इनके बच्चों को, इनके परिवार को ब्लेस करता हूँ, चर्च को ब्लेस करता हूँ, इस ब्रांच को ब्लेस करता हूँ, आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। फटाफट तैयार हो जाओ, दुबई मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, मॉरिशियस ब्रांच। हाँ शाबाश। मैं देख रहा था सुनो, मैं देख रहा था एक पोल्ट्री फार्म में एक मुर्गी पंख खिला रही थी, सारी मुर्गियां पंख खिला रही हैं, आप समझ गए। हाँ, जोश आ गया। हाँ हाँ, गवाही के साथ। हालेलुया, इस हिस्से की बहुत बड़ी गवाही है। एक साल से ये गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे थे, नहीं लग रहा था, जिससे आज अनंतिक ऑयल वाटर यूज किया और ऑनलाइन प्रोफेसी को रिसीव किया, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो चुकी है। जोर से तारीफ करो। शाबाश शाबाश। इस हिस्से एक लाख की लोन था, नहीं चुका पा रहे थे, अनंतिक ऑयल वाटर यूज करने से और ऑनलाइन प्रोफेसी को रिसीव करने से 8 लाख की लोन खत्म हो गए। हालेलुया, जोर से तारीफ करो। अपने हाथों को उठा ऊपर करो, ब्रांच सब ऊपर करो। शाबाश, इनकी गवाहियां बना के मुझे भेजना, वीरवार को मैं देखकर खुश होऊंगा। अपने घर में बैठकर अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मॉरिशियस ब्रांच भी आज से डबल ट्रिपल अनॉइंटिंग रिलीज रिसीव करे यीशु मसीह के नाम में। आज से ब्रांचें 2 गुना नहीं, पवित्र आत्मा 100 गुना बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय इनके ऊपर पवित्र आत्मा तेरा हाथ आए और ये आशीष आज से इनके ऊपर बनी रही है। लड़की सामने कर कैमरे के स्क्रीन पर हाथ कर, ये लड़की जो गवाही दे रही थी। हाँ शाबाश, आगे कर। और इसी समय मैं तेरे हाथ के ऊपर उस अनॉइंटिंग को खोलता हूँ और इसी समय जब तू लोगों के ऊपर हाथ रखेगी और पास्टर हरदीप, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सब ब्रांचें खोल दे फटाफट एक साथ। और इसी समय मैं प्रार्थना कर रहा हूँ भटिंडा ब्रांच, इसी समय पवित्र आत्मा जी, और इसी समय फिरोजपुर ब्रांच, ऑस्ट्रेलिया ब्रांच, ऑस्ट्रेलिया ब्रांच को दिखा। शाबाश, ऑस्ट्रेलिया ब्रांच। और इसी समय सब फटाफट खोल दे ऑस्ट्रेलिया ब्रांच। हाँ शाबाश शाबाश। हाँ, टेस्ट मनी के साथ आगे आ जाऊँ। हाथों को उठाओ अपने, लड़की हाथ कर स्क्रीन की तरफ, बेटे हाथ कर स्क्रीन की तरफ, सब स्क्रीन की तरफ बात करो। इन सबसे हाथ मिलाना है आपको और रुमाल रखना है।
परमेश्वर इनकी प्रॉब्लम को दूर करेगा। अमलाबा शबलाबाबालाबा 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 शबलाबा पवित्र आत्मा मेरे ऊपर से वो अभिषेक को खोल इस बच्ची के ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर। और इसी समय परमेश्वर ये तेरी दासी जब इनके ऊपर हाथ रखे गुड न्यूज को देखें यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। इनके ऊपर हाथ रखना, सब ब्रांचें खोल दे फटाफट, शाबाश। पवित्र आत्मा जी समय परमेश्वर जो भी ब्रांच में रुमाल लेकर खड़े हैं, संभाल का ब्रांच, पानीपत ब्रांच, इसी समय करनाल ब्रांच, हरियाणा, नारायणगढ़, दिल्ली, फिरोजपुर, फरीदाबाद, बठिंडा और इसी समय उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसी समय परमेश्वर झारखंड ब्रांच में पवित्र आत्मा जी, इसी समय हैदराबाद ब्रांच और इसी समय हैदराबाद ब्रांच को खोल दे थोड़ा। हाँ शाबाश, हैदराबाद ब्रांच टेस्ट मनी के साथ, शाबाश हैदराबाद ब्रांच। अब से सुनो सुनो, मैं एक आपके लिए एक प्रेयर कर रहा हूँ सबके लिए। फटाफट लड़की लड़की फटाफट कपड़ा ले ले, एक रुमाल ले ले और ऐसे मुंह कर ले। हाँ, और लोग वहीं खड़े रहेंगे, एक लाइन थोड़ा आगे कर दे, एक लाइन थोड़ा आगे कर दे, एक लाइन थोड़ा आगे कर दे, एक लाइन आगे हो जाओ, सिर्फ एक लाइन आगे हो, एक ही लाइन आगे आना बस। हाँ आगे आना बस, और ये लाइन यहीं खड़ी रहेगी और तू पीछे तक इनके ऊपर रुमाल रख के आएगी फटाफट सिर पर इनके। शाबाश, इधर कर कैमरा, कर इधर कैमरे की तरफ कर, पहले स्क्रीन की तरफ कर रुमाल। अबालाबा शबालाबाबालाबा शबालाबाबालाबा शबा, रुमाल रुमाल लड़की रुमाल कर कैमरे के सामने। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर के, इसी समय इस रुमाल में उस अभिषेक को यीशु मसीह के नाम में, मैं इसी समय उस अनॉइंटिंग को इनके ऊपर छोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज जिसके ऊपर लगाएं ये लड़की, इसी समय प्रभु तेरी दासी, तू पास्टर है लड़की, तू जेम्स तू भी पास्टर है, और चल हाथ पर लगाना शुरू कर, इनके सिर पर लगाना शुरू कर। शाबाश, चल 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 लगा तेरा फटाफट फटाफट, एक जना हाँ लगा जेम्स। अबालाबा शबालाबाबालाबा शबालाबाबालाबा टच टच टच, इसी समय लगाता चला जा। शाबाश, आपके बंधन टूट रहे हैं जो लगा रहे हैं, और राडा 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 दे 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 दे, पीछे तक लगाता चला जा। शाबाश, और इसी समय पवित्र आत्मा जिनके ऊपर आज ये सच में पवित्र आत्मा अभिषेक वाला रुमाल लगा रहा हूँ, पवित्र आत्मा लगा रहे हैं तेरे दास तेरी दासी, इसी समय उस अनॉइंटिंग को उनके ऊपर खोलता हूँ, बंधन टूट जाए आज यीशु मसीह के नाम में, सारे शराब खत्म होने पाए पवित्र आत्मा जी, आज से फाइनेंस इंक्रीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूँ आपकी ब्रांच में किसी को रसोलियाँ गिल्टियाँ बच्चेदानी, सुनो सुनो, दिल्ली ब्रांच चुप, दिल्ली ब्रांच चुप, हैदराबाद ब्रांच रसोलियाँ गिल्टियाँ किसी को, और इसी समय किसी को फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है, जैसे बच्चेदानी में किसी को गिल्टियाँ रसोलियाँ, हाथों को उठाओ शाबाश, हाथों को उठाओ शाबाश। हाँ जो भी है अपने सिर पर हाथ रख लो, शाबाश अपने सिर पर हाथ रख लो, जिस जिसको है प्रॉब्लम है बच्चेदानी में, और इसी समय वाइट सूट, वाइट सूट पर पेट पे हाथ रख लड़की जाकर। हाँ सुन जेम्स, तू चर्च में पास्टर है, आज से मैं तेरे को बोल रहा हूँ तू हाथ रख सकता है लोगों के ऊपर, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बहुत दिन पहले बोल दिया था तेरे लिए, सिर पे हाथ रखो और इसी समय इसके पेट पर हाथ रखो। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबाला, हाँ रखे रख, रखे रख पेट पर हाथ, निकला बाहर, चल इसी समय छोड़ दे इसको, चल बाहर उखड़ जा उखड़ जा उखड़ रहा, आउट 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 जा रहा है, टच मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, बाहर बाहर बाहर, कैमरा कर बाहर, माइक कर इसके मुंह पर, माइक कर इसके मुंह पर, माइक कर, माइक कर इसके मुंह पर, माइक माइक स्क्रीन के सामने से हट जा, बाहर आने पाए, बाहर आने पाए। पवित्र आत्मा अगर मैं तेरा सच्चा दास हूँ, हैदराबाद में इसी समय इस बहन की गवाही बनने पाए यीशु मसीह के नाम में, टेस्ट में नहीं आने पाए, वो ट्यूमर वाली रसोली बाहर जाए, वो गिल्टियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर यीशु मसीह के नाम में। कैमरे के सामने से हट जाओ, तुम तो कैमरे के सामने अड़ गए। हाँ इसी समय परमेश्वर इस बहन को छू और आजाद कर। सुन लेना पूरे लोग, हैदराबाद ब्रांच जितने भी मुझे सुन रहे हैं, हैदराबाद ब्रांच में जाओ और हमारी ब्रांच का एड्रेस ले लो, जेम्स फोन नंबर अपना एड्रेस तख्ती पर लिख कर इतना बड़ा बड़ा रखना है, जब मैं तेरे को ऑनलाइन लूँ, हर संडे मैं ऑनलाइन लूँगा तेरे को आज से, और हैदराबाद ब्रांच में आप देखोगे इसकी गवाही सुनना, रिपोर्टें कराना, जाओ इसकी रिपोर्टें कराओ यीशु मसीह के नाम में, बोल रहा हूँ रिपोर्टें कराओ, जाओ यीशु मसीह के नाम में, ऐसे नहीं बोलता हूँ, जो इस आप अनॉइंटिंग प्लेस पर जुड़े हुए हो, जब आप इस चर्च में जुड़े रहेंगे परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। बहुत सारे आएंगे अलीशा की तरह आपको तोड़ने के लिए, लेकिन जब आप जुड़े रहेंगे
लेकिन आप आशीष में बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप देखेंगे आज से परिस्थितियां चेंज होंगी आपके चर्च में। देख रहा हूँ जिसके नाम SNRP BM और G से और J से D से, आपका संघर्ष खत्म हो गया जिस चीज के लिए आप संघर्ष कर रहे थे। आपके आंसू परमेश्वर पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनी बन रही है। मैं देख रहा हूँ सर्वाइकल जा रहा है। किसी का बच्चा नशे कर रहा था छोड़ रहा है, किसी का पति नशे कर रहा था छोड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई आईटी में कोई बिजनेस में कोई जीरो था जीरो, आज से तू बहुत, मैं कह रहा हूँ तुम लोगों में से एक जन गवाही देगा, कह रहे हैं कि उसका कह रहे गवाही देगा, करोड़ों रुपए का लोन, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट मिलेगा आपको यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूँ। आप आशीष में बदलेंगे। आपके चर्च में एक बहन है और वो आ नहीं रही है, वो चली गई है, उसके पास बच्चा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, वो सुन रही है लाइव में मुझे बैठी हुई, और पवित्र आत्मा कह रहा है उसकी माँ या कोई रिश्तेदार यहाँ आया होगा, पवित्र आत्मा कह रहा है कि अब से वो आना स्टार्ट करे, और इसी समय परमेश्वर उसको बेटा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलने के लिए जा रही है। कोई है यहाँ पर? कोई है? पवित्र आत्मा ने मुझे बोला अभी इसी समय परमेश्वर आशीष देने के लिए जा रहा है, गुड न्यूज मिलेगी। यस यस, ताड़ी बजाओ इस प्रोफेसी के लिए, ताड़ी बजाओ। हाँ, आपकी बहू है मुंह से बोलो, बहू है आपकी? आपके घर में कोई जो बच्चा मांग रहा है वो यहाँ नहीं आ रही है? पापा जी, बच्चा मांग ये मांग रही है, लाल साड़ी वाली से बात कर रहा हूँ, लाल साड़ी वाली। जय मसीह के। जी पापा जी, इनके घर में भी बच्चे, बच्चे बेटे को बच्ची नहीं है, बेटी नहीं आई है यहाँ पर, बेटी नहीं आई है। हाँ जी पापा जी, बेटी नहीं आई है, अकेले आई है, अकेले आई है। अगले दो साल हो गए, तीसरा साल चढ़ने नहीं देगा मेरा परमेश्वर, ये भविष्यवाणी एंजल भेज रहा हूँ, लेकर आ जाना चर्च में। अगर घर बैठी रहेगी बच्चा नहीं होगा, सुन रही है मेरी बात, ब्रांचों में जाया करो। ये जो ब्रांच में नहीं जा रहे हैं, ये अभिषेक है पवित्र आत्मा का, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं खोला। जो आप दान चंदा देते हैं उससे मेरा किराया पूरा नहीं होता, ब्रांचों का पैसा मैं देता हूँ, आपको बोल रहा हूँ, आपको इसलिए देता हूँ कि यहाँ से दान भेजता हूँ अपनी मिनिस्ट्री से, अकाउंट से, कि आप प्रीचिंग सुने और आप आशीष पाएं। जब आप ब्रांचों में जाते हैं आपके घर पर आज से आशीष आएंगे। हैदराबाद में जिसके लिए भी मैं देखा था, आपने लाखों की भीड़ में आप जाओ ब्रांच में और बड़ा हॉल ढूंढ, बड़ा हॉल ले, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है तेरे जीवन में यीशु मसीह के नाम में। हमें अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। हाँ, हर एक ब्रांच आशीष पाए, दिल्ली ब्रांच अपने हाथों को उठाओ, और चीज में पूना ब्रांच, रांची ब्रांच, सिमडी का ब्रांच, बेटे सब आप हाथ उठा लो, टाइम ज्यादा हो गया। और चीज में पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ सिमडी का ब्रांच में, रांची ब्रांच में, और चीज में झारखंड ब्रांच में, रांची में, दिल्ली में, मोगा में, इस समय पवित्र आत्मा बठिंडा, फिरोजपुर, और चीज में पवित्र आत्मा सारी जगह, पूना, गोवा, पवित्र गुजरात, अहमदाबाद, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, नेपाल, और इस समय गोंडिया ब्रांच महाराष्ट्र में, परमेश्वर गुजरात में, नागपुर में, पवित्र आत्मा जी समय परमेश्वर, जो लोग उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, पवित्र आत्मा कपूरथला, मुकेरिया ब्रांच, मुक्सर ब्रांच, और इस समय फिरोजपुर ब्रांच बठिंडा, और इस समय पवित्र आत्मा जी फाजिल का ब्रांच, फिरोजपुर ब्रांच, आज से आशीष हैं, डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। धारीवाल ब्रांच ब्लेसिंग उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी जिन ब्रांचों के नाम ले रहा हूँ उनको ब्लेस कर, आज से तेरी आशीष पर बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। इनकी और टेस्टमनी, और आमीन बोलने वालों की डबल टेस्टमनी बनने पाए यीशु के नाम में। आमीन। इस सार ब्रांच में भी और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग आने पाए, बोलो आमीन। वो देखो हिसार वालों ने आज अच्छा किया, दूर से दिखा दिया, जोर से तारीफ करो, शाबाश। इन गवाहियों को देख रहे हैं आप, ऊपर उठाओ, शाबाश। कई साल का पाइल्स भाग गया, बवासीर, जान नहीं सकती, ऐसे ऑपरेशन कराने के बाद भी हो जाती है। ऑयल लगाया, आजाद हो गए, 5 साल से बेटा नहीं था, ऑयल लगाया, बेटा हो गया। फिर कह रहा हूँ जितने ऑयल लगा रहे हैं आपकी गवाही बनेगी, क्योंकि संडे मैंने फिर से एक नए ऑयल के साथ प्रेयर किया। तारीफ करो जोर से। कह रहे के देखो, 4 साल से ब्लैडर में, किडनी में स्टोन था, पथरी, पित्ते में पथरी थी, बाहर आ गई। तारीफ करो जोर से, देख लो सारी रिपोर्टा नॉर्मल है। 10 माता 10 हूँ 10। बहुत प्रॉब्लम सी, मैं काफी बीमारियां सी, मैं सारिया बीमारियां तो शिफा पा लिया, सारे रिपोर्टा मेरा नॉर्मल है। एने एने की पा लिया, शिफा पा ली, शिफा पा लिया। पथरी निकली कि नहीं? पथरी तो मेरे, मैं उदन दी खाना खाने लग पी, मैं पिछले। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। झारखंड से आए, पाइल्स का प्रॉब्लम था, आजाद हो गई। जलंधर से आए, पथरी बाहर आ गई, और दिल्ली से, यूपी से आए, करे पथरियां बाहर।
इनाम जीते हैं, बहुत सारे लोग घर बने, कोई जेल में था आजाद हो गया, पाइल्स बवासीर की प्रॉब्लम से आजाद हो गए, करें अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, मिराकल मनी हुआ, बच्चा गुम हो गया था वो देखो 7 साल की बवासीर लुधियाने से आया और उसी समय आजाद हो गया। हाँ कितने टाइम से बवासीर थी? 7 साल से पापा जी। 7 साल से अभी आजाद हो? कहाँ से आए? अपने हाथों को उठाओ, आंखों से ब्लाइंडनेस आ जाओ, शाबाश, बिल्कुल टोटल ब्लाइंड हो गया था, ब्लाइंड देखो। और इसी समय कहाँ से आए बेटे? कितने कितने टाइम से हो गए थे ऐसा आंखों से दिखना बंद हो गया था? आंखों से तो 5-6 महीने नहीं दिखा रहा। अभी सुनो, और जब ऑयल लगाया उसके बाद कह रहे कि दिखने लगा है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। देखो देखो मेरा हाथ पकड़ो, पकड़ो हमारा हाथ पकड़ो, तनिक आओ हमारे बीच, जोर से बोलो मेरा खुदा है वो जिंदा खुदा है। कह रहे हैं वो प्रॉब्लम खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में, शरीर के किसी समय भी प्रॉब्लम है खत्म। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, हट जा हट जा हट जा। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय परमेश्वर गवाहियों को सुन रहे हैं, ब्रांचों में बैठे हैं, परमेश्वर आशीष दे। अभी इसी समय फटाफट नीचे बैठ जाओ और इसी समय बीज पकड़े अपने हाथों में। जो लोग चाहते हैं कि आज मेरा पैसा डबल हो, कितने लोग चाहते हैं कर्जे में रहें, मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूं। कोई है चाहता है मेरे ऊपर कर्जा हो जाए? हाथ उठाओ। जो चाहते हैं कि कर्जा उतर जाए वो हाथ उठाओ, शाबाश। अपना बीज पकड़ो, परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? याकूब के द्वारा जो जो भविष्यवाणी की गई उसके सारे बच्चों के लिए वो पूरी हुई, उनके लिए पूरी हुई। मैं फिर कह रहा हूं कि आज जितनी भी मेरी ब्रांचें मुझे देख रही हैं, जो जो भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं पवित्र आत्मा उनको पूरा कर रहा है आपके लिए, यीशु मसीह के नाम में। अबालबा शबालबा बालबा शबालबा, आज मैं 11 भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपके लिए। सुनो, क्या आप उस बात के लिए महसूस करते हैं? मुझे नहीं पता। अबालबा शबालबा बालबा शबालबा, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है जिन्होंने बेस्ट बीज अपने हाथ में पकड़ा है उनका एक बच्चा पायलट की ट्रेनिंग करेगा, पास हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो कोई बेस्ट बीज पकड़ रहा है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तूने आईएएस अफसर बनने के लिए जॉब में करा ट्राई किया है, तू आईएएस अफसर लगेगा यीशु मसीह के नाम में, तेरा घराना आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम में। अब अलाबा शबालबा बालबा शबालबा, किसी ने बेस्ट बीज पकड़ा है, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता कि तुम एक नहीं, कह रहा कि दो दो मकान की आशीष दूंगा मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, मैं देख रहा हूँ जिसके नाम GNRS PMTL से है, परमेश्वर का आत्मा करे के बहुत सुंदर बेटा तुझे मिलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा करे के मैं देख रहा हूँ किसी ने बेस्ट बीज पकड़ा है, तू फैक्ट्री बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये छोटे बीज वाले के लिए नहीं है, याद रखना। इसाक ने एक बेस्ट बीज बोया, सुलेमान ने एक बेस्ट बीज बोया, उत्तम बीज बोया। ये भविष्यवाणियां उनके लिए हैं जो इस समय विश्वास के साथ एक बेस्ट बीज बो रहा आज। अबालबा शबालबा बालबा शबालबा, पवित्र आत्मा जी, और इसी समय जो विश्वास करता है मैं कह रहा हूँ 3 दिन लगातार बीज बोकर देखना, ये भविष्यवाणियां आपके लिए भी पूरी होंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि इस समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई महाराष्ट्र से मुझे सुन रहा है, कोई हैदराबाद से मुझे सुन रहा है, कोई कर्नाटक से केरला से मुझे सुन रहा है, और इस समय कोई मुझे दिल्ली से सुन रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा 50 करोड़ रुपए का लोन, 90 करोड़ का लोन, कह रहा एक एथलीन का प्लांट में आपका नंबर आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणियां आपके लिए अगर आप रिसीव करते हैं। बालाबा शबालबा बालबा शबालबा, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कोई व्यक्ति है जो बेस्ट बीज बो रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि आत्मा कह रहा है, कहता मैं 18 किले से 20 किले जमीन तुझे देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। ये जमीन तेरी होगी, ये जमीन तेरे दादे परदादों के नाम नहीं होगी, ये तेरे नाम होगी। परमेश्वर का आत्मा तुझे ब्लेस कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि एक आदमी है जेल में, उसका बच्चा जेल में और वो दोनों बाप बेटा जेल में और मर्डर केस में, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरी पत्नी हाथ में बीज लिए बैठी है, आत्मा कहता है। और जो लोग बेस्ट बीज बो रहे हैं कैसा भी कोर्ट केस हो, परमेश्वर ने कहा कि तू जल्दी आजाद होगा, तेरा घराना आजाद होगा यीशु मसीह के नाम में। आपका केस किसी भी उल्ट पुलट हो आपकी फेवर में होगा, एंजल जा रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं जिनके नाम इस समय B से N से R S G H K L से आपकी
टेस्टमनी, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होने वाली है, नॉर्मल। आप बीमार हो, नॉर्मल होने वाली है परमेश्वर। आप स्वास्थ्य की चिंता ना करें, आपके साथ परमेश्वर है। कुछ नहीं है आपको यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलेगा, फेवर करेगा परमेश्वर। और इसी समय मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों की पीआर और एक नई गाड़ी के साथ परमेश्वर ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणियां 11 आपके जीवन में पूरी होंगी यीशु मसीह के नाम में। हमें करके बोलो यीशु मसीह की। ये एक आशीर्वाद था जब याकूब ने अपने बच्चों को बुलाया और आशीर्वाद दिया। सुन रहे हैं कि नहीं? ये आशीर्वाद है उन लोगों के लिए जो बीज बो रहे हैं सही ढंग से। जल्दी से बीज बोए, शाबाश। अपने हाथ मेरा खुदा गे, जिंदा खुदा गे, ओ मेरा खुदा गे। कर परिवार किसे गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। ना कर परिवार किसे गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। ना कर परिवार किसे गल दी, रखदा खबर हर पल दी। ना कर परिवार किसे गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। ये संग है यहोवा ता किसे दी क्यों पाली गए। संगे है यहोवा ता किसे दी क्यों पाली है। ये संगे है यहोवा ता किसे दी क्यों पाली है। तो ना घबराने यहोवा तेरे नाल है। तो ना घबराने यहोवा तेरे नाल है। तेरे नाल गए तू ना कब नावे नाल गए ओ नाल गए यहोवा तेरे नाल गए। ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰ ਕੱਲਿਆ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਖੁਦ ਚੱਲਿਆ। ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰ ਕੱਲਿਆ। ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹਨੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹਨੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਤੇ। ਤੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਗਏ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। सुन रहे थे मुझे ये बताओ क्या सच में पुकार रहे हैं आप? सच में पुकार रहे हैं आप? किस लिए पुकार रहे हैं मुझे बताएं? कोई चंगाई के लिए, कोई रिहाई के लिए, कोई बंधनों से आजाद होने के लिए, कोई कर्जे से आजाद होने के लिए, कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए? इतनी बढ़िया वर्शिप है ये, इतनी बढ़िया। तालियों के साथ इस वर्शिप को करना, जब भी करना। हम पहले गवाही सुनेंगे,
गवाही के बाद फिर से हम वर्शिप को सुनेंगे, फिर गवाही सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी, इस सिस्टर की बहुत बड़ी गवाही है, ये अपनी गवाही में बता रहे हैं, इनकी बेटी पढ़ाई में कमजोर थी और पापा पर फैसले कर रहे थे कि जिनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं वो इस साल टॉप करने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने उन प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, आज इनकी बेटी फोर्थ क्लास में टॉप कर चुकी है। जल्दी से गवाही लेंगे। सारे क्रिश्चियन को जय मसीह जी। मेरी बेटी स्कूल में फर्स्ट आई है। क्यों आई है तो बताएं। ये वाटर ऑयल तेल लगाने से लिए, पापा जी फरफर किए थे। हाँ, ये बताना है ना, यीशु जी परमेश्वर के दास प्रोफेसी कर रहे थे, यीशु जी की कृपा से और यीशु की कृपा से, यस, कि उसकी कृपा हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। सिस्टर ने बिलीव किया प्रोफेटिक वचन पे, प्रोफेटिक बात पे। बीमार थी इसको दुष्ट आत्मा ने, बीमार बहुत ज्यादा तंगी होती थी, अब ठीक हो गई है। कैसे चंगी हुई? ईश्वर जी की कृपा से, यीशु की कृपा से। यानी जब चर्च में सिस्टर आई, प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की, एक बच्ची स्कूल में टॉप किया, दूसरी बच्ची जो दुष्ट आत्मा से परेशान थी। कितने यहोवा को आज आवाज लगाने के लिए फिर से तैयार है, कितने पुकारने के लिए तैयार है। जरा ताड़ियों के साथ वर्शिप करेंगे। यहोवा मैं पुकारी ताड़ियों के साथ, कितने पुकारने के लिए आज तैयार है। अपने पड़ोसी को बोल, आज पुकार, यहोवा तेरी प्रार्थना को सुनने वाला है। अपने नबी के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा, आज परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बातचीत करेगा। जितने बच्चों ने अपने हदीये को बोया है, अपने बीज को परमेश्वर की हजूरी में बोया, मेरा परमेश्वर उन्हें आशीष दे। ऑनलाइन चर्च आपने बोया है, परमेश्वर ने देखा है, यीशु मसीह के नाम में इस हाक के समान इसी साल में, इसी वर्ष में बहुतायत के साथ अपनी फसल को आज आप काटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने आमीन बोला इसका मतलब वो सुन रहे हैं। खुदा उन्हें बहुत आशीष दे। ये वर्ष आपके काटने का हो, ये वर्ष आपके छलांग लगाने का हो, ये वर्ष आपकी गवाहियों का हो और आप बढ़ते जाएं इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये सब गवाही सुन। हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। बता रहे कि इनको काफी समय से यूरिन की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था और प्रोफेसर जी प्रोफेसी कर रहे थे कि ऑपरेशन कैंसिल होने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने प्रोफेटिक वर्क रिसीव किया, बता रहे ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है, रिपोर्ट नॉर्मल के साथ ब्लेस हो चुके हैं। सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है। गवाही लेंगे। पापा जी जय मसीह, मैं गढ़वा झारखंड विश्रामपुर से हूँ। मैं 2021 में आया था, मेरा पापा एकदम गोदी में लेकर आए थे उठा के, जिस टाइम मैं चल नहीं पाता था, 3 महीने कोमा में था, मैं बिल्कुल भी चल नहीं पाया था। जिस टाइम से मैं आते गया मेरा आज समय मिला हमको गवाही मिलने का, देने का, और चल भी नहीं पाता था मैं बिल्कुल भी, 1 साल तक बिल्कुल बेड से नहीं चल पाया मैं जी। और ऑपरेशन का डॉक्टर बोला कि तुम्हारा ठीक नहीं हो सकता, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो मैं रिसीव किया, परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया था कि जिसका ऑपरेशन करना है उसका कैंसिल हो जाएगा। मैंने रिसीव किया और मेरा ऑपरेशन कैंसिल हो गया। आपने बताया चर्च को किस चीज का ऑपरेशन होना था जी? यूरिन टंकी का, मेरा यूरिन ब्लैडर मेरा छोटा हो गया है। हाँ, और ऑपरेशन आपने सुना कि जब यूरिन का जो जिस जगह ब्लैडर होता है वो श्रिंक हो गया था और डॉक्टर ने ऑपरेट के लिए बोल दिया था। ब्रदर ने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, एनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को लगाया। आपके सामने देखो वो रिपोर्ट के साथ आया है। ये अल्ट्रासाउंड है ना, ये देखो, ये स्कैनिंग करवाई थी और डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन होगा, लेकिन जब प्रोफेटिक वर्ड को आपने विश्वास किया कि मुझे खुदा चंगा करेगा, आज आपके सामने नॉर्मल रिपोर्ट के साथ है। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे, जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। तालियां बजाओ खुदावंद के लोगों, तालियां बजाओ। कौन आ रहा है बताओ? खुदा आ रहा है।
आपसे मिलने के लिए यीशु मसीह के नाम में। यस, हम गवाही सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, ये भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं, इनके बेटे को एक साल से टॉयलेट आनी बंद हो गई थी, और जैसे ही ताजपुर चर्च में आए, इन्होंने अनॉइंटिंग ऑलर वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, और आज इनके बेटे का ऑपरेशन और नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। खुदा रहोगे, खुदा रहोगे। की गवाही लेंगे। यस, जब ये पेशाब जब करता था तो बहुत जलन, बहुत ज्यादा जलन देता था इसको, तो हमने प्रार्थना करके ऑयल वाटर, इसको ऑयल मतलब लगाया वहां पर, और पानी जो था उसको प्रार्थना करके दिए, फिर ठीक हो गया। किस चीज का ऑपरेट होना था, क्या दिक्कत थी बच्चे को? दिखाते हैं ऑडियो, दिखाना नहीं है, आप बताएं। जब पेशाब करते थे बहुत ज्यादा जलन देता था बच्चे को, इन्फेक्शन था, यूरिन में इन्फेक्शन था, और बच्चा परेशान था। लेकिन जब प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया इनकी फैमिली ने, अगर आपके घर में कोई बीमार है, अगर आप इस समय खुदा की हजूरी में मौजूद हैं, आप यहाँ प्रार्थना करें, आप यहाँ रिसीव करें, घर में खुदा उसको शिफा देने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। इस ब्रदर ने भी रिसीव किया प्रोफेटिक वर्ड को, इनका बच्चा चंगा हो चुका है। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे, जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। Yes, हम सिस्टर की गवाही लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी, अमेजिंग टेस्टिमनी है ये, इनकी गवाही बहुत बड़ी है। ये अपनी गवाही में बता रहे हैं, इनकी नाक की हड्डी बढ़ गई थी, डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोला था, इन्होंने स्पेशल बीस बोकर प्रार्थना करवाई, आज ये ऑपरेशन से आजाद हो चुके लेंगे। यस, सिस्टर से गवाही लेंगे। पास्टर जी को जय मसीह की, पूरी सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम हिमानी है, और मेरी नाक की जो हड्डी है वो बढ़ चुकी थी, और डॉक्टर ने जो है ना ये कहा था कि आपका जो ऑपरेशन होगा, जब हमने स्पेशल बीज बोया, अब पापा जी ने ले हैंड प्रे करी, तो मेरी हड्डी जो है ठीक हो गई। आपने सुना कि जो नोज की बोन थी वो बढ़ गई थी, डॉक्टर ने बोला ऑपरेट होगा। ये है सिस्टर का विश्वास। कितने आज विश्वास का जाल डालने के लिए तैयार है, जिन्होंने हाथ उठाए हैं, यहोवा आज इनके हाथों को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। और सिस्टर ने विश्वास किया प्रोफेटिक वर्ड को, ऑपरेशन कैंसिल हुआ। लाइन लगी हुई है इस गवाहियों की कि ऑपरेट के लिए डॉक्टर ने बोला था, लेकिन यहोवा ने क्या किया, उस ऑपरेशन को कैंसिल किया। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे, यहोवा का धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह। खुर में दे दर्द देवांगर साधक ले लहावेगा, खुर में दे दर्द देवांगर साधक ले लहावेगा। ज्यों लब नान दा सरू बजदा, ज्यों लब नान दा सरू बजदा, ओ भी बजदा जावेगा। खजूर दे दर्द देवांगर साधक ले समझ आया है, जिनको समझ आया वो हाथ उठाएं। उन्होंने बोला जो खजूर का पेड़ होता है सबसे लंबा होता है, कितनों को विश्वास है, और वो ऐसे झुकता नहीं, वो ऐसे रहता है, उसके जो पत्ते हैं वो झुकते हैं, और जब वो हिलते हैं कहते हैं, वैसे परमेश्वर बहुत ऊंचाई पे आपको लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में, और सदा आप बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सुना करें कि वर्शिप में क्या, वचन ही वर्शिप में काम है, वचन ही वर्शिप है। हालेलुया। यस, गवाही लेंगे जल्दी से। हालेलुया। पास्टर जी, बहन की बहुत बड़ी गवाही है, जो बहन बता रही है 14 साल से बहन घर बनाना चाहती लेकिन बना नहीं पा रहे थे, जैसे ही ताजपुर चर्च में आए, प्रोफेसी को रिसीव किया, ये घर के साल ब्लेस हो चुके हैं। जिंदड़ी दे दुखड़े सारे उसी नु खोल सुना दे, गाने
सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह नो जे तू जाने। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, आवाज खोल बेटे थोड़ी। हर वेले दा रोग का तो जिंद अपनी नू लाया, दर दर जाके तके खादे पल्ले कुछ ना पाया, सब तो आला मसीदा, सब तो आला राम मसीदा, जे तू लवे ते आ, जे तू लवे ते आ, सब मुक जाने, सब कहो सारे कुष्ठ मुक जाने, आज रोग पुराने, सारे रोग पुराने मिट जाने, आज यीशु मसीह नो, जितने यीशु मसीह नो आज फॉलो कर देने, जे तू जाने, आज सब रोग खत्म होंगे यीशु मसीह के नाम में, जाने सारी परिस्थितियां, सारे कर्जे, रोग पुराने सब खत्म होंगे यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह नो, विश्वास करो आज, जे तू जाने जिंदड़ी दे टुकड़े सारे उसनु खोज सुना दे, खुद सुना दो आज, हर गुना ते राज दिल दे उसनु बोल सुना दे, हाथ बधावे तैनु बुलावे, हाथ बधावे तैनु बुलावे, जे तू करे दया, जे तू सुने कन ला, जे तू सुने कन ला, जे तू सुने कन ला, सब मुक जाने रोग पुराने, अपने हाथों को उठाओ। आज कैसे भी पुराने रोगों, पुरानी परिस्थितियां हो, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कहता है, कहता इस गीत में कह रहा है, जे तू जाने आज यीशु मसीह नो, ते तेरे सारे रोग मिट जाने आज, आमीन, तेरी सारी चिंता मिट जानी आज, आमीन। परमेश्वर जो वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, हाथों को उठा रहे हैं, परमेश्वर जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं और खड़े हैं अपने स्थान पर बैठे हैं, परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा इनकी परिस्थितियां चेंज हो आज से यीशु मसीह के नाम में।
मेरे प्रभु ये सच में तुझसे प्यार करते हैं, हर संडे आते हैं। पिता परमेश्वर उन लोगों की जो हर संडे आते हैं, तेरे एंजल आए हुए हैं यहाँ पर, चारों तरफ उनके लिए एंजल आए हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके आपकी फोटो खींच कर ले जा रहे हैं आज वो यीशु मसीह के नाम में। आपकी परिस्थितियां बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप आज के बाद दुख नहीं उठाएंगे। आमीन बोलने वाले फ्री हो जाए। आपके घर का क्लेश खत्म हो रहा आज रात। जिसके पास बच्चा नहीं है बच्चा मिल रहा आज। जो कह रहे घर नहीं बना पा रहे बनाएंगे अब यीशु मसीह। लेकिन क्या कहा अभी इस गीत में, जे तू यीशु मसीह नू अपने दिल दी गल खोल के बतावे। आज अपने हाथों को उठाओ और बैठ जाए। शाबाश। परिस्थितियां जब जाती हैं जब अपने दिल की बात खोल कर परमेश्वर को हम लोग बताते हैं। आप समझ में आएंगे नहीं, कह रहे कि जब आप दिल की बात खोल कर बताएंगे, खोल कर कितने खोल कर बताएंगे आज से, कह रहे सारे रोग मिट जाएंगे आज, सारी परिस्थितियां मिट जानी आज। परमेश्वर का आत्मा आपका पीछा करेगा, स्वर्गदूत आपका पीछा करेंगे। आमीन। आपको पहले से ज्यादा नीचे से ऊपर लेकर आएंगे। आमीन। आपके बिजनेस पहले से ज्यादा ऊपर आएंगे, याद रखना। आमीन। नीचे नहीं रहेगा आपका कोई काम, आपकी आशीषें हर चीज डबल होगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। ये साल आपके लिए बरकत का साल होगा। क्या आप तैयार हैं बरकतों के साल के लिए, विश्वास करने के लिए तैयार हैं? हाँ, ये प्रभु की ओर से है। परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम करे। आइए सिर पे हाथ रखें, परमेश्वर के कलाम में जाएंगे हम। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, तेरा वचन आज लोगों की जिंदगियों को आज पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर फिर से ज्यों का त्यों कर दे यीशु मसीह के नाम में। फिर से ज्यों का त्यों कर दे यीशु मसीह के नाम में। इनकी परिस्थितियां चेंज हो परमेश्वर, तेरे वचन को सुनने वाले लोग जब ईमानदारी के साथ सुने और अमल करें परमेश्वर, इनका घराना तरक्की करें, इनके बच्चे इनके परिवार तरक्की करें, आज प्रमोशन इनका पीछा करे यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु आज से पवित्र आत्मा जी 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना मल्टीप्लाई हो जाए। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम। आपका घर मल्टीप्लाई हो रहा है, आपके फाइनेंस मल्टीप्लाई होगा आज से, क्योंकि मेरा परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। आपकी रोटियां मल्टीप्लाई होंगी चर्च। यीशु मसीह अगर रोटियां डबल कर सकता है तो आपकी रोटियों को भी डबल कर सकता है वो। आपको हर आशीष दे सकता है वो। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। बहुत सारी आशीष आज से आपके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको छुए और बरकत दे, बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं आज परमेश्वर मुझे बरकत देगा? तो बरकत लेने के लिए पहली ताड़ी आपकी होनी चाहिए चर्च। सारे बोलो हालेलुया। जब मैं कहीं जा रहा था तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बहुत सारे लोगों के लिए कि आज तो जिसको आशीर्वाद देगा लग जाएगा उसके ऊपर। क्या मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूँ? सारे बोलो हालेलुया। आज मैं पीछे भी आऊँगा भविष्यवाणी करने। अगर आप तमीज से बैठे तो क्या बदतमीज है? पहले आप तमीज से बैठे तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। अपने हाथ की तरफ देखो, बोलो कि मेरे हाथ में आशीषें आ गई हैं यीशु मसीह के नाम में। आप जब तक जो कहते नहीं वो होता नहीं है, सुन रहे हो? जो इंसान जो कहता है वो होता है, लेकिन उनके लिए जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। इसलिए सावधान, जो आप गलत कहते हैं आपके लिए होता है। आप गलत सोचते हैं तो आपके लिए गलत होता है, आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। परमेश्वर आपको ड्रीम इसलिए दिखाता है कि जो शैतान ने आपको सुचवाया है, जो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डाला है, किसी और के अंदर नहीं, प्रार्थना करने वाले योद्धा के अंदर पावर है उस नेगेटिव थॉट्स को चेंज करा सकता है। आपके अंदर वो पावर है, आप उस नेगेटिव थॉट्स को चेंज करा सकते हो।
समझ में आएंगे नहीं। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है आपके लिए, आपकी परिस्थितियां चेंज कर सकता है, आपके ऊपर अनुग्रह कर सकता है, वो यीशु मसीह के नाम में। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों के कान, एक दो नहीं एक कान बंद है, बंद है। हाथ उठाओ बोलो, आदमी लोगों की खासकर बात कर रहा हूं, वहीं बैठे बैठे आदमी लोग, एक कान बंद है आदमी लोग, औरतों के दोनों कान खुले हैं मुझे पता है, और आदमियों का एक कान हमेशा बंद रहता है एक खुला रहता है, वो बहरे नहीं है, आप बहरे नहीं है,